Dear students, the topic of today's discussion is motivation या अभिप्रेरणा. मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. बच्चों, अगर प्रेजेंट डे में हम देखें तो प्रबंध जगत में भी ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना प्लेस रखता है. आज प्रत्येक व्यक्ति मानवीय अभिप्रेरण के बारे में चिंतित है. जो गार्जियंस हैं उनका ये कहना होता है कि अपने बच्चों के व्यवहार से वह कम प्रसन्न होते हैं. टीचर्स में भी एक तरह से ये कंप्लेंट रहती है कि स्टूडेंट्स स्टडीज़ कम करते हैं, और जो सर्विस ओरिएंटेड पर्सन्स हैं उनका ये मानना होता है कि कर्मचारी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं करते हैं. तो इस प्रकार मानवीय अभिप्रेरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक स्टडी का बन गया है. अभिप्रेरण प्रबंध का एक व्यापक कार्य है जो मानव शक्ति से संबंध रखता है, और यह भी कहा गया है कि अभिप्रेरण प्रबंध का मानवीय पहलू है. यदि मानव स्वयं डल हो जाता है तो बाकी के सारे जितने भी प्रोडक्शन के साधन हैं वह सब भी निष्क्रिय हो जाते हैं. उनको गति प्रदान करना ही ह्यूमन बीइंग का काम है, इसलिए मानव पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही मानवता का व्यवहार किया जाना चाहिए उनके साथ में. जो भी वह काम कर रहे हैं उस कार्य के हेतु उन्हें अभिप्रेरित भी करना चाहिए. अभिप्रेरण को रेंसिस लिकर्ट ने प्रबंध का हृदय नाम दिया, यानी कि द कोर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से उन्होंने जाना है. इसी तरह कून्स एंड ओ डोनेल हैं, उन्होंने अभिप्रेरण के स्थान पर निर्देशन शब्द का प्रयोग किया, यानी कि डायरेक्शन. हेनरी फ्योर ने अभिप्रेरण के स्थान पर आदेश या कमांड शब्द का प्रयोग किया. तो इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अभिप्रेरण को चाहे किसी भी नाम से क्यों ना जाना जाए, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य हम इसे मान ही सकते हैं जो कि मानवीय पहलू से संबंध रखता है. अब इसका हम मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं. रेंसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरण के कार्य को प्रबंध के कार्यों का हृदय माना है, और इसके साथ ही अनेक कारणों की वजह से इसे प्रबंध प्रक्रिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही विस्तृत तत्व के रूप में माना गया है. इसे इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं. तो यह शब्द जो है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी की मोटिव शब्द से हुई है, जिसका कि अर्थ होता है व्यक्ति में किसी ऐसी शक्ति या इच्छा का होना जो कि उसे काम करने के लिए अभिप्रेरित करती है. हम जैसे कि जानते ही हैं कि हर एक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा दो अलग अलग बातें हो सकती हैं. एक व्यक्ति कितना भी योग्य, अनुभवी और कार्य करने की क्षमता रखता है लेकिन उसमें काम करने की इच्छा नहीं है, तो इन सभी बातों का कोई भी महत्व नहीं रहता है. तो कार्य करने की इच्छा जब जागृत हो जाए, इस प्रकार किसी व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा को जागृत करने हेतु हमें उसे अभिप्रेरित करना होता है, और जिसे ही अभिप्रेरणा कहा जा सकता है. तो कुछ विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशंस इसकी दी हैं. जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन लेते हैं हम डेल एस बीच की. उनके अनुसार अभिप्रेरण को एक लक्ष्य या पारितोषण प्राप्त करने की शक्ति के विस्तार की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. इसी तरह से कैरोल शाल्टर ने दी है डेफिनेशन. ओवेन के अनुसार भी दी गई है, अभिप्रेरण इस तत्व का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का एक व्यवस्थित तरीका है कि कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों के प्रभाव की अन्य दिशा की बजाय एवं विशेष दशा ही क्यों चुनता है. मोटिवेशन इज एन ऑर्डर्ड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई अ पर्सन इलेक्ट्स टू चैनल द एनर्जीज इन वन डायरेक्शन रादर देन इन अनदर. इसी तरह विलियम जी स्कॉट ने भी डेफिनेशन दी है, अभिप्रेरण व्यक्तियों की इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है. यानी कि मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू अचीव टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स. तो इस तरह से अलग अलग डेफिनेशंस हमने मोटिवेशन की देखी, और जो डेफिनेशंस देखी उनके हिसाब से अगर हम अभिप्रेरण का मीनिंग देखें तो उसके एक नटशेल में डेफिनेशन हम यह कह सकते हैं कि अभिप्रेरण से आशय उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती और अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है. इसी के साथ में हम इसके नेचर भी देख सकते हैं अभिप्रेरण का.
अभिप्रेरण की जो परिभाषाएं देखी और मानवीय आवश्यकताओं में ध्यान में रखते हुए अभिप्रेरण के कई लक्षण हो सकते हैं, इन्हीं लक्षणों को हम इसका नेचर भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अभिप्रेरण एक प्रक्रिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि अभिप्रेरण एक प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित किया जाता है। इसी के साथ में अभिप्रेरण एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। एक बार स्टार्ट हो जाती है तो ये नहीं कि ख़त्म हो जाए, बल्कि रूटीन में डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे कि हर एक मोड़ पर आपको अभिप्रेरण की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरण का संबंध मानवीय साधनों से होता है। अभिप्रेरण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही उदय होती है, पैदा होती है, जैसे कि भोजन, हवा, पानी, वस्त्र, आत्मसम्मान, सुरक्षा आदि सबका मानवीय व्यवहार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और ये सभी अचेतक अभिप्रेरक का कार्य भी करते हैं। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका एक भाग नहीं होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि कान इसका अभिप्रेरित हो गया या इस व्यक्ति की आँख अभिप्रेरित हो गई, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरण प्राप्त करेगा। अभिप्रेरण की विभिन्न विधियाँ हो सकती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक हो सकता है, मजदूरी, अधिलाभांश, पुरस्कार आदि में आर्थिक अभिप्रेरण को हम बांट सकते हैं। और अगर नॉन इकोनॉमिक देखें तो हम उसमें प्रशंसा है, प्रबंध में हिस्सा है, मानवोचित व्यवहार इसके अंतर्गत आ सकता है। इसी के साथ में अभिप्रेरण मानवीय संतुष्टि का कारण और परिणाम दोनों होती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मनोबल से भिन्न होती है। अभिप्रेरण एक साधन है जबकि मनोबल एक साध्य है। एक तरह से अराउजल फंक्शन का काम करता है, उद्दीपक कार्य है, लोगों को जगाने में, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उत्पादकता में वृद्धि करती है। अभिप्रेरणा की धारणा मनोवैज्ञानिक भी हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ सर्कुलर प्रोसेस होता है। अभिप्रेरण एक वृत्तीय प्रक्रिया है जो कि आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता से उत्पन्न होने होती है और व्यक्ति इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधनों, क्रियाओं की खोज करके आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि तनाव आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता करता है, फिर क्रियाओं की खोज होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और साथ ही साथ स्थिति का मूल्यांकन एवं नवीन आवश्यकताओं की उत्पत्ति भी इसके अंतर्गत हो सकती है। तो अभिप्रेरणा के उद्देश्य हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक रहेगा, साथ ही साथ अभिप्रेरण का महत्व क्या हो सकता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे।